ने कहा था कि अनुशासन तो हिटलर के नाजिज्म में भी था और पंक्ति भी गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला है। 2002 के दंगों की बात यही आपकी राजनीति आ जाती है कि शाही प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज का बंगाल नहीं होता। गूगल का इतिहास बन रहा है करो आप हमें। आपको मालूम है कि गूगल का इतिहास बन रहा है मेरे को पहले तैयार जो 8 साथियों के साथ जिसने साइनाइड खा करके और आत्महत्या कर ली। आप मेरी बात को गलत साबित कर दो। कोई आदमी अगर तेज बोले बातें में ज्यादा मौका मिलेंगे मौका देंगे। अब कोदरा में मारे गए कार सेवकों के डिफेंस में खड़े होते हैं। कहूंगा कि हिंदू आतंकवादी कहने बहुत तकलीफ होती, मुस्लिम आतंकवादी कहने तकलीफ नहीं होती, लेकिन गोडसे को आतंकवादी नहीं कहा कोर्ट ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है आरएसएस विचारक संगीत रागी इतिहासकार कपिल कुमार और आशुतोष के बीच में। आरएसएस को लेकर चल रही डिबेट में आशुतोष ने आरएसएस के बारे में काफी अनर्गल बातें की, जिसके बाद संगीत रागी और कपिल कुमार ने इनकी आरएसएस विरोधी विचारधारा की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों डिबेट बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ऐसा है गांधी गोलवलकर की मीटिंग होती है और गोलवलकर से वो चाहते हैं अश्योरेंस। मुझे लगता है हम थोड़ा सा एक मिनट, और वो कहते हैं कि आप एक चिट्ठी लिख दीजिएगा ताकि इस तरीके का दंगे वाली बात ना हो। वो वहां से जाते हैं और चिट्ठी कभी नहीं आती है। गांधी जी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, बोला नहीं मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये गांधी जी का असेसमेंट। और फिर गांधी ये बार बार कहते हैं, गांधी मानते थे कि आरएसएस बड़ी अनुशासित संगठन है। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन तो हिटलर के नाजिज्म में भी था और अनुशासन आरएसएस पर विमर्श कर नहीं रहे थे। आशुतोष गांधी जी ने एक शब्द भी आरएसएस के खिलाफ नहीं कहा है। एक शब्द आशुतोष से आप दिखा देंगे इस तरह से नहीं था। एक शब्द भी, एक पंक्ति भी गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला है। ये मैं आपको दावे नेशनल चैनल पर कर रहा हूँ। क्या किसी दंगे की? अरे आशुतोष जी, मलयाला की भी बात करिए फिर। आपके पास आऊंगा सर, जरा मलयाला की भी बात करिए और भिवंडी की भी बात करिए, भागलपुर की भी बात करिए। पिक एंड चूज जो करते हैं ना, भागलपुर की बात करिए, मलयाला की बात करिए, भिवंडी की बात करिए, अहमदाबाद की 1990 की बात करिए। 2002 दंगे की बात क्यों नहीं करिए आप? 19 मलयाला की बात क्यों नहीं करते? 2002 के दंगों की बात यही आपकी राजनीति आ जाती है। जवाब तो लेंगे ना, इनसे सवाल पूछा, एक सेकंड इनसे जवाब तो लेंगे। मुझे जवाब लेने देंगे, क्रश किया जाए आशुतोष। एक बात जवाब लेने दीजिए आशुतोष जी, आप अनुशासन तोड़ रहे, बोलने नहीं दे रहे। नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसा होगा तो फिर डिबेट भटक जाएगा। अरे आशुतोष जी, इनको ये बता दीजिए, मैं काउंटर कर दूंगा, इनको ये बता दीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज का बंगाल नहीं होता। बंगाल नहीं होता, आसाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस देश का हिस्सा नहीं होता तो बंगाल को कैसे बचाया? अरे पूरा इतिहास देश क्या है, करें फिर बहस किया करें। चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? अरे आप बहस करके यार, आप तो बहुत हो गए। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या गांधी ने सपोर्ट किया था? गूगल का इतिहास बन रहा है करो आप हमें। आपको मालूम है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी पहले तैयार नहीं थे? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आप ऐतिहासिक तथ्यों पर डिस्कशन कर लीजिए। चिट्ठी नहीं नहीं नहीं, आप ऐतिहासिक तथ्यों पर डिस्कशन कर रहे थे पहले। प्लीज अब वक्त कम है, 5 मिनट। एक सवाल मैंने पूछा था, इनसे जवाब लेते हैं, छोटा सा जवाब प्रोफेसर साहब। मैं सिर्फ उस सोच की बात कर रहा हूं। मैं सोच की बात कर रहा हूं, सोच जो है परिस्थितियों से बनती है। उस परिस्थिति के अंदर कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, कोई मानसिक संतुलन से बात करता है। दो चीजों पे मैं इसका आपका ध्यान दिलाऊंगा। आर के करंजिया ने 60 के दशक के अंदर एक पूरी सीरीज ब्लिट्स के अंदर निकाली थी गांधी मर्डर को लेकर के और गोडसे को लेकर के, और गोडसे को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स सामने रखे थे कि कांग्रेस के कई लीडर्स को ही पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि गांधी की हत्या होने वाली है, गांधी पे पहले अटेम्प्ट हो चुका था, 10 दिन पहले ही हुआ था, हो चुका था, नहीं उससे पहले भी क्या किया। और मैं आपको इसका एक बहुत दो उदाहरण वर्तमान के देकर के इस बात को खत्म करना चाहूंगा। राजीव गांधी जी की निशंस हत्या हुई, उसके बाद में आपको याद होगा कि एक वन आइट जैक था श्रीनिवासन, जो 8 साथियों के साथ जिसने साइनाइड खा करके और आत्महत्या कर ली। क्यों उसको पकड़ नहीं पाए? असली कॉन्स्पिरेसी दबा दी गई। और इतिहास एक दिन बोलेगा, ऐसा नहीं लगेगा, गलत बात है। क्या गलत बात है? आप मेरी बात को गलत साबित कर दी। कोई आदमी अगर तेज बोले बातें में ज्यादा मौका मिलेंगे, मौका देंगे बोलने नहीं करेंगे। गुजरात दंगों के बारे में, अरे आप मलयाला की बात करो ना, क्या होती है ये नहीं कहेंगे। बात करो ना, ये जो साफ याद है, गोधरा याद नहीं है?
आपको मलियाना याद नहीं है? कपिल साहब मैं आपको भागलपुर याद नहीं है? मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, माफ करिए, आप मुझसे ज्यादा तेज बोल ही रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा तेज बोल ही रहे हैं क्योंकि आप पे जवाब सेलेक्टिव हो जाएंगे। आप मोदी जी के उस वक्तव्य की बात नहीं करेंगे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बराबर होती है, क्यों नहीं करेंगे बात उसकी? सेलेक्टिव करेंगे आप? सेलेक्टिव मानसिक काम चलेगा अगर 2001 संगीत जी एक मिनट, मैं कहता हूं कि आइए भागलपुर की चर्चा करते हैं, अलीगढ़ चर्चा करते हैं, मलियाना करते हैं, 2002 दंगों की चर्चा करते हैं, 84 की भी बात करते हैं। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप कोधरा में मारे गए कार सेवकों के डिफेंस में खड़े होते हैं। दुर्भाग्य है कि कोधरा में मारे गए कार सेवकों के लिए आशुतोष आप खड़े होते हैं, चर्चा करते हैं। यदि 59 कार सेवकों की हत्या होती है, आपको नहीं मालूम है कि 240 हिंदू भी पुलिस की गोलियों से मारे गए थे, इसके बावजूद भी आप नरेंद्र मोदी को अपराधी और बटगरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं? आप मूल्यांकन उसका नहीं करते हैं। अदालत में मुकदमा चला, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो अदालत में मुकदमा चला, अदालत में मुकदमा चल रहा और बात है, लेकिन आपका घर में जिसके खिलाफ एक FIR नहीं हो, उसके खिलाफ आपने इतना ज्यादा आपने अभियान चलाया। गोडसे की जो अदालत में मुकदमा चला, आज भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए UN में 10 साल लग गए। हिंदुस्तान में आतंकवादी किसको डिक्लेयर किया जाएगा? जिसे कोर्ट कहेगा। कई बार गवर्नमेंट भी आतंकवादी डिक्लेयर करती है, कोर्ट छोड़ देता है। क्या गोडसे का, गोडसे मर्डरर था, कातिल था, लेकिन गोडसे को आतंकवादी नहीं कहा कोर्ट ने, जो कमल हसन बोल रहा है कि हिंदू आतंकवादी था, गलत था। कमल हसन अगर हिंदू आतंकवादी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए एक कोर्ट के जजमेंट में नहीं है। अजीत जी एक बात कहूंगा, हाँ, कि हिंदू आतंकवादी कहने बहुत तकलीफ होती, मुस्लिम आतंकवादी कहने तकलीफ नहीं होती। इस्लाम और आतंकवाद पर्याय है, देखिए है पर्याय, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आप कहते हैं आतंकवादी, इसलिए आप कहते हैं, कह रहा हूँ आशुतोष, क्योंकि आतंक का शास्त्र है आपकी, इस्लाम में शास्त्र है। आपके पास दुनिया में जितने भी संघर्ष है उसका दस्तावेज आप नहीं जानते। आप लोग मोदी फोबिया से ग्रस्त है, अपना इलाज करा ले। दुख का खत्म नहीं होता है, आगे स्वाद। दोस्तों अगर कोई गूगल से अधकचरा इतिहास पढ़ के इतिहासकारों के सामने डिबेट में आएगा और उस इतिहास को थोपने की कोशिश करेगा तो ये इतिहासकार उसे कहां ही छोड़ने वाले हैं। ऐसा ही दोस्तों देखने को मिला इस डिबेट में। दोस्तों आपको डिबेट कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।